हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी ज्ञान पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सभी के लिए काफी शानदार एप्लीकेशन का रिव्यू लेकर आए हो और ये एप्लीकेशन दोस्तों आपको काफी ज्यादा पसंद आ जाएगी। अगर दोस्तों आप अपने फोन में व्हाट्सएप यूज करते हो तो ऐसे में दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप सभी अपने फोन में इंस्टॉल करके यूज जरूर से करिएगा। दोस्तों, अगर आप अपने फोन में व्हाट्सएप यूज करते हो तो ऐसे में दोस्तों उससे रिलेटेड काफी सारी एप्लीकेशन आपको अपने फोन में रखनी पड़ती है। दोस्तों, हमें व्हाट्सएप में ऐसे कूल फीचर देखने को नहीं मिल पाते, इसी कारण दोस्तों हम बाहर से ढेरों सारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे दोस्तों हम अपने व्हाट्सएप को काफी कूल बना पाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आज के इसमें आप सभी को एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिस एक एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों आपको ढेरों सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पर दोस्तों, आपको व्हाट्सएप को यूज करने के लिए ढेरों सारी एप्लीकेशनों को अपने फोन में इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है। सिंपली इस एक एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए और यहां पर दोस्तों आपको काफी सारे कूल फीचर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैं आपको बताऊंगा कौन सी एप्लीकेशन है, कहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करने के बाद किस तरीके से एप्लीकेशन को यूज किया जाता है, इन्हीं सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो यहां पर दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करने से आप सभी से एक छोटे से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन नजर आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बगल में दोस्तों आपको घंटी का आइकन नजर आएगा तो इसे भी आप दबा दीजिएगा ताकि दोस्तों फ्यूचर में हमारी जितनी भी नई वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, ये रही वो एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का नाम है स्मार्ट टूल। इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों सिंपली इस एप्लीकेशन को आप अपने फोन में ओपन कर लीजिएगा। यहां पर दोस्तों ये एप्लीकेशन आपके फोन में कुछ इस तरीके से ओपन हो जाती है। जो पहला ऑप्शन है दोस्तों, यहां पर लिखा है टेक्स्ट टू इमोजी वर्ड। ठीक दोस्तों, इस फीचर को यूज करने के लिए सबसे पहले यहां पर आपको अपना टेक्स्ट लिखना है, तो यहां पर मैं हेलो लिख देता हूं। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप अपनी मर्जी से इमोजीज को चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं ये वाला इमोजी चूज कर लेता हूं। उसके बाद दोस्तों मुझे इस बटन पे क्लिक करना है और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत स्टाइल में यहां पर हेलो लिखा हुआ आ चुका है। इसी के अलावा दोस्तों इस एप्लीकेशन में आपको काफी सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे, जैसे रिपीट द टेक्स्ट। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर दोस्तों आप अपनी मर्जी से कोई भी टेक्स्ट को लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको नंबर लिखना है, तो यहां पर मैं 100 लिख देता हूं। उसके बाद दोस्तों आपको इस बटन पे क्लिक करना है और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं सिर्फ एक क्लिक में यहां पर 100 बार हेलो लिखा हुआ आ चुका है। आप चाहो तो यहां पर 1000 कर सकते हो, 2000 कर सकते हो, 10000 कर सकते हो, लाख कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके अलावा भी इसमें काफी सारे फीचर दिए गए हैं, जैसे यहां पर ब्लैंक चैट का ऑप्शन है। उसके अलावा यहां पर डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर आपके सामने स्टेटस सेवर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने फ्रेंड को स्टाइलिश टेक्स्ट में भी मैसेज को भेज सकते हो। तो जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं काफी सारे यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर काफी सारे स्टाइल भी दिए गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इस एक एप्लीकेशन में आपको ढेरों सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे।